इस बार 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और जैसा कि आपने कहा कि कोरोना काल के बाद ये एक बड़ा इवेंट होगा जो इस साल हम मनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमारा जनपद गाज़ियाबाद का जो लक्ष्य है वो 8 लाख लोगों को जोड़ने का है, और ना केवल उस दिन बट एक प्रक्रिया में लाने का एक हमारा पहल रहेगी। इसके लिए हमने एक बड़े पैमाने पर एक दो मीटिंग्स करी हैं। जनपद के सभी जितने विभागीय और गैर विभागीय संस्थान हैं उनके साथ तीन मुख्यतः बड़े कार्यक्रम हम करना चाहेंगे। पहला जो है वो कवि नगर में जो रामलीला मैदान है वहाँ पर सिविल डिफेंस के सहयोग से एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। एक योग संस्थान के सहयोग से पुलिस लाइंस में कार्यक्रम करेंगे, और नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से महामाया स्टेडियम जो है उसमें बड़ा कार्यक्रम करेंगे। इसके अतिरिक्त नगर निगम की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक 100 वार्ड के जितने पार्क हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अलग-अलग कार्यक्रम करके जोड़ा जाए। हमने जितने RWAs हैं GDA के माध्यम से, जितने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उनके प्रेसिडेंट्स, उनके सभी पदाधिकारियों को जोड़ा, और उनसे एक कमिटमेंट आई है कि करीबन 1.5 से 2 लाख लोगों को, वो जितने RWAs हैं सबको जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त जितने व्यापार मंडल के हमारे लोग हैं, अधिकारी पदाधिकारी, सबको हमने जोड़ा है। सब ने कमिटमेंट किया है कि वो इसमें सहयोग करेंगे। जितने इंडस्ट्रीज़, 13 इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस हैं तो उनको सबको इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त जितने हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उच्च शिक्षा के कॉलेजेस हैं, जितने हमारे स्कूल्स हैं जिनको DIS के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं, जितने प्राइमरी स्कूल्स हैं BSA के माध्यम से कवर कर रहे हैं, इनमें भी टारगेट्स दिए गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और युवाओं को जोड़ने के लिए। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के माध्यम से, प्रधानों के माध्यम से, हम 161 जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर भी ग्राम सचिवालयों पर योग कार्यक्रम करवाएंगे और इनको जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त जितने हमारे केंद्रीय संस्थाएं हैं, चाहे वो टेलीकॉम थी, चाहे CBCID थी, जितने भी CBI है, जितने भी केंद्रीय संस्थाएं हैं उनको भी बुलाया गया था और उनको भी जोड़ा गया है। जितनी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो टाटा स्टील है, चाहे श्री राम पिस्टन है, चाहे ऑर्डनेंस फैक्ट्री है, उन सबको भी जोड़ने का हमने अभियान चलाया है।